वीकेंड का वार में सलमान खान ने रुबीना की लगाई क्लास, तो वहीं जैस्मीन और राहुल वैद की हुई खूब तारीफ। रुबीना दिलिक जो टीवी का जाना माना चेहरा है, उन्हें देखकर हर किसी की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो शो में बहुत अच्छा करेंगी। हालांकि रुबीना कई बार फैंस और ऑडियंस के दिलों में जगह बना चुकी हैं, लेकिन दूसरी ओर रुबीना टास्क करने से मना कर देती हैं, जो उनका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। इनफैक्ट वीकेंड का वार में जब सलमान खान आते हैं तो वो रुबीना से ये बात कहते भी हैं कि रुबीना आज आपकी तारीफ होने वाली थी लेकिन आपने टास्क करने से मना कर दिया, इसलिए सब धरा का धरा रह गया। खैर, सलमान के काफी समझाने के बाद रुबीना दिलेक समझती हैं और टास्क करने के लिए रेडी होती हैं। दरअसल टास्क कुछ ऐसा होता है कि एक तरफ होती हैं रुबीना और दूसरी तरफ होती हैं निकी। अब घर वालों को एक एक कर आकर बताना होता है कि किसके दिमाग में कितना कचरा है। कचरा शब्द सुनते ही रुबीना गुस्से से लाल हो जाती हैं और ऑब्जेक्शन करने लगती हैं कि वो ये टास्क नहीं करेंगी। इतना ही नहीं, रुबीना का कहना होता है कि घर वाले तो घर वाले, अब घर के मुखिया को भी मेरे दिमाग में कचरा लगता है तो इससे ज्यादा अपमान की क्या बात होगी। इसके बाद हिना खान गौहर खान भी कहती हैं कि ये कोई अपमान नहीं है, ये टास्क है और बिग बॉस शो ऐसे ही टास्क से भरा हुआ है। अगर आपको रुबीना लगता है कि ये अपमानजनक है तो आप गलत शो में आ गई हैं। वहीं दूसरी ओर सलमान खान भी रुबीना को काफी समझाते हैं और उसके बाद रुबीना टास्क करने के लिए रेडी होती है। के दौरान 5 कंटेस्टेंट्स को लगता है कि रुबीना के दिमाग में ज्यादा कचरा है तो वहीं 3 कंटेस्टेंट्स को लगता है कि निकी के दिमाग में ज्यादा कचरा है। इसके बाद ये टास्क खत्म होता है। इसके बाद एक और बात नोटिस करने वाली होती है, वो ये थी कि जैस्मीन और राहुल वैद्य की सलमान तारीफ करते हुए नजर आए। दरअसल दोनों को ही घर से बाहर यानी ऑडियंस से ढेर सारा प्यार मिल रहा है और दोनों के लिए ऑडियंस काफी अच्छा फीडबैक दे रही है। सलमान ने कहा, जैस्मीन आप जिस तरह से रियल बनकर खेल रही हैं, ये सभी को बहुत पसंद आ रहा है, ऐसे ही खेलती रहिए, बहुत आगे जाएंगी। वहीं राहुल वैद्य के बारे में बात करते हुए सलमान खान कहते हैं कि राहुल टास्क के दौरान काफी एंटरटेनिंग रहे हैं और राहुल का ये रूप ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। वेल, निकी, पवित्रा, जैस्मीन और राहुल वैद्य, ये चारों ही ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने बिग बॉस, सलमान खान या फिर ऑडियंस के दिलों में जगह जरूर बना ली है। देखने वाली बात ये होगी कि बाकी के कंटेस्टेंट्स अपनी जगह बनाने के लिए क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।